वेलकम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और ये है मेरा नाश्ता। और उसके बाद जो है ना, मैंने सुबह को जब उठी थी ना नमाज के लिए, तो मैंने फ्रीज़र का दरवाज़ा जो है ना खोल दिया और फ्रीज़र जो है ना बंद कर दिया, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। और उसके बाद जो है ना, जब बर्फ़ थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो मुझे याद आया क्यों ना मैं स्नो मैन बनाऊँ। तो ये जो है ना छोटा सा स्नो मैन मैंने बनाया है, मिर्च से, काली मिर्च होती है ना, और गजर, और जो ग्रीन मिर्च होती है ना, उसकी जो ऊपर कैप होता है ना, उस बेचारे का हाथ मैंने उससे बनाया, तो इतना क्यूट सा लग रहा था। तो मैंने कल भी अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था इंस्टा पे और फेसबुक पे। एनीवे, तो ये क्यूटी मैंने बनाया था, थोड़ी देर बाद जो है ना ये बेचारा मर गया ऑफ कोर्स, क्योंकि पिघल गया सारा का सारा। एनीवे, तो मैंने सोचा था आज मैं अपने फ्रीज़र साफ़ करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया और काफ़ी बर्फ़ जो है ना जम गई थी। और सुबह को जल्दी बंद की थी ना फ्रीज़र, तो जल्दी इसके बर्फ़ पिघल गई थी, और ना सारा दिन लग जाता इस फ्रीज़र में मुझे, तो आई गेस 1 आवर ही लगा था, तो बस जल्दी से साफ़ हो गई थी। और आज सुबह से मुझे इतना जोश था घर की सफाई का, तो फ्रिज के बाद जो है ना मैंने ऐसे ही सोचा कि ये जो कैबिनेट जो आप लोगों ने देखा था ना मेरे लॉन्च में होता है, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि देखते हो अगर ये हिलता है अपनी जगह से या नहीं, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मैंने कभी भी इसको हिलाया नहीं है। पहले मुझे लगा था शायद दीवार पर चिपका हुआ है, लेकिन जब हिलाया था ना तो हिल गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि ये हिल गया है, तो शायद मैं कभी ना कभी इसकी जगह चेंज करूँ। एनीवे, इसके पीछे इतना कचरा था, इतना कचरा था, बेचारे मेरे हेल्पर जो है ना वो उसने सारा का सारा साफ किया था। और ये मलाई फ्रीजर से निकली है, तो मैं उसे घी बना रही हूँ, उसके साथ मैं लंच भी बना रही हूँ। ओके एवरीवन, तो ये और ये ऑर्डर्स हैं जो मैंने ब्लेस्ड फ्राइडे से लिया है, और ये जो निशात वाले ना इस पर सेल नहीं है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने शॉपिंग क्या की है। तो पहले जो जो है ना ये खोल देती हूँ, और हाँ मैं माइक के बगैर बोल रही हूँ, पता नहीं आप लोगों की आवाज़ मेरी सही आ रही है या नहीं। जो माइक की पेन है ना जो मोबाइल से अटैच करता है, वो उसके पेन जो है ना पता नहीं कहाँ गुम हो गई, मुझे मिल नहीं रही है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं जो है ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर है जो मैंने लिया था अडोर से। ये मैंने खोला है ना, इसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या चीज़ है, उम्मीद है कि टूटा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। एक ये मैंने ऑर्डर किया था एसेंशियल ऑयल, आई गेस मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, मैंने लोगों से कहा था ना कि मैंने खोला और उसमें से स्मेल आ रही है, इसकी स्मेल इतना अच्छी स्मेल है, इसमें बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। ऐसे अभी तक मैंने खोला नहीं, लेकिन इसकी स्मेल जो है ना बीस निकलना शुरू हो गई है। सेकेंड ये है अरोगन ऑयल, ये पता नहीं क्यों टेप लगी हुई है इस पर। नो, किस इसमें से निकल रहा है? नो, ओह माय गॉड, इसमें से तो काफी निकल रहा है। ओह लुक टू दिस, माय गॉड, इसकी भी अच्छी खुशबू है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है। एनीवे, ये मैंने ऑर्डर किया था। ये जो सेकेंड ऑर्डर है ना, मेरे ख्याल में आप लोगों ने 2 दफ़ा ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को 3री दफ़ा भी दिखा रही हूँ। इसमें जो चीज़ है ना मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए जो है ना मैंने बचत सी ले ली है, इस पर सेल थी, और ऑफ़ कोर्स जो सेल जो चीज़ अच्छी होती है और सेल पर होती है ना, मैं लाजमी ले लेती हूँ, भले वो मेरे पास हो, लेकिन क्या कहते हैं उसको, लालच। बस लालच ही समझो कि मैंने लालच की और दोबारा ऑर्डर किया, और आप लोग देखेंगे ना तो कहेंगे ये तो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है, और इतना यूज़ टाइम भी नहीं हुआ इसको, लेकिन मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया। टंटरान, ये रहा। आप लोगों ने आई गेस 3रा दफ़ा आप लोगों ने ये वीडियो में देखा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, और पता नहीं दोबारा लूँगी या नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे ये मेरे स्किन पर इतना सूट हो गया ना, ये मैं बता नहीं सकती। अभी तक जो भी स्किन केयर की प्रोडक्ट मैंने ली है ना, ये बेस्ट है, इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया। तो ये चीज़ ही थी जो मैंने ऑर्डर से ऑर्डर की है, ये और ये टीन पता नहीं क्यों खुला हुआ था, मुझे जो है ना कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ जिस तरह भी इसमें से हुआ है, हमेशा अच्छा आता है,
चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देती हूँ और आप लोगों को मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। शॉपिंग दिखाने से पहले मैंने आप लोगों को ये सीरम अंदर से नहीं दिखाया, और वो जो ब्लू था ना वो हेयर क्रीम है। यू कैन यूज इट आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर, और ये जो है ना है स्पेशली फॉर हेयर फॉल, और ये जो सीरम था ना ये फॉर स्किन और हेयर के लिए। फर्स्ट ये शर्ट मैंने ली है निशात से, इस पर सेल नहीं थी क्योंकि इसका ओह माय गॉड, आप लोगों को हॉर्न पीछे सुनाई दे रहा है ना। ओके तो ये फर्स्ट सूट है जो मैंने निशात से लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरह का लुक लाए के इसके पीछे जो है ना ये उनकी स्लीव्स हैं ये दोनों। ओके मैं इस तरह आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा नज़र आए। ये इस तरह का सूट है, ये खदर है, और वो रहा मेरा माइक जिसकी पेन अभी तक मुझे मिली नहीं है। चलो ये जो है ना इसका गला है और ये दामन है। ओके ये है सेकंड सूट, ये इस तरह का है। फुल इस तरह के ब्लैक है और इसमें जो है ना छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। ये लीलन मटेरियल है इसका, बस इस तरह के सिंपल है, कोई बॉर्डर कोई भी चीज़ नहीं है, बस इस तरह के टू पीस है। और ये इसका ट्राउज़र, इसकी पिक्चर इस तरह की है। इस पर तो सेल नहीं थी निशात की जो भी शर्ट्स मैंने ली थी जो पहले आप लोगों को दिखाई थी, और ये दोनों में सेल नहीं थी। बाकी जो आउटडोर से मैंने सामान ऑर्डर किया था ना उसमें सेल था। ओके और ये भी ऑर्डर्स है जो मैंने सेल पे लिए थे, लेकिन मैं भूल गई थी ये दूसरी जगह पर रखे हुए थे, तो मुझे बाद में याद आया, तो इसलिए मैंने जो है ना बाद में आप लोगों को दिखाया है। तो ये जो है ना ये टेंट है, ये फुल सेट था सिक्स का, तो उसमें सिक्स कलर्स थे। उसमें ऑप्शन था कि आप तीन लो या सिक्स लो या चार लो, इस तरह का था। तो मैंने जो है ना डायरेक्टली सिक्स ही मंगवाया क्योंकि मैं कंफ्यूज थी इसकी कलर्स में। और इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये सारे फ्रूट्स के जिस तरह नाम लिखा है ना इसके फ्रूट्स का, तो उसी तरह इसकी स्मेल थी। और जब मैंने खोला था ना इसके अंदर जो कलर था ना इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। पहले मैंने सोचा आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, फिर मैंने सोचा कि अपने हाथों पर लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। सारे के सारे कलर अच्छे हैं, ऑल आर सो ग्रेट। और मुझे इस तरह लग रहा था पहले कि था शायद थोड़े से डार्क, लेकिन जब मैंने लगाया था ना तो बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा था कि अगर आप लिप पर लगाओगे ना तो बिल्कुल नेचुरल लुक आ गया। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ने कुछ लगाया है या लिपस्टिक जिस तरह की लगती है ना डार्क, ये इस तरह का नहीं है। सारे के सारे कलर बहुत अच्छे थे एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने सिक्स ही कलर मंगवाए, कि आइंदा नेक्स्ट टाइम अगर ऑर्डर करूँगी ना तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मुझे कौन सा कलर चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करो ना तो उस वक्त आपको कलर का नहीं पता होता, जब ट्राई करके देखोगे ना तो उस वक्त आपको पता होता है कि ये कलर इस तरह का लुक लाइक है। तो ये जो कलर है सारे के सारे बहुत अच्छे थे, एंड नेक्स्ट टाइम अगर सेल लगेगी ना तो मैं ज़रूर लूँगी, वो भी सेक्सी कलर लूँगी क्योंकि ना इतने एक्सपेंसिव है और चीज़ भी बहुत अच्छी है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी ना वो इस तरह का कि लगाने के बाद अगर फेस वॉश करो या कुछ भी करो ना ये उतरता नहीं, ये स्किन पर या लिप पर ड्राई हो जाता है और तकरीबन 4-5 to 6 hours लगा रहता है, ये उतरता नहीं है। तो बस यही शॉपिंग थी ब्लेस फ्राइडे की, और बहुत अच्छी से लगी हुई थी दराज पर भी और काफ़ी वेबसाइट पर मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, और जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ले ली है। बस ये जो शर्ट है और जो टू पीस है ना अब ये इसको भी मैं वॉश करूँगी। और ये जो दो है ना मुझे इतने पसंद आए थे, मैंने पहले ऑनलाइन देखे थे लेकिन मैंने सोचा कि जाके देख लूँ क्योंकि कलर्स में काफ़ी डिफरेंट होता है ऑनलाइन में और जाके देखने में, तो इसलिए मैं गई थी वहाँ। लेकिन मैं वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं की क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बनी थी ना और कट कट करने की बात भी इतनी छोटी बनी, तो बस इसलिए जो है ना मैंने वो सीन ऐड नहीं किया। तो बस अब ये सूट जो है ना मैं इसको पानी से निकालूंगी, लेकिन आजकल जो है ना सर्दी ना तो ये कपड़े ड्राई नहीं होते, तो मैंने सोचा पानी से वॉश कर लेती हूँ पर मशीन में कर लेती हूँ क्योंकि डायरेक्टली वॉश भी हो जाएगा और उसके साथ ड्राई भी हो जाएगा। और मैंने दोनों को अलग अलग वॉश की है क्योंकि कलर्स में डिफरेंट था, और कुछ कपड़े ऐसे होते जो श्रिंक भी नहीं होते लेकिन मैं फिर भी वॉश कर लेती हूँ। एनीवे और ये डिनर है आज का, और आज का व्लॉग मैं ये ख़त्म कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया पर क्या करूँ। एनीवे टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।